नमस्ते गुड मॉर्निंग एंड जय धनवंती टू ऑल वेलकम टू व्यूअर्स ऑफ एनालिटिकल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर आनंद चौधरी सर विद अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर थैंक यू थैंक यू आई एम ऑलवेज वेलकम बाय यू ऑल ऑन माय ओन चैनल थैंक यू यू आई वेलकम डॉक्टर प्रीति प्लीज़ गो एक् आई डॉक्टर प्रीति टमटा पी जी सेकेंड ईयर डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एवं भैस कल्पना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी वेलकम टू ऑल ऑफ यू First of all, I would like to thank you everyone for giving so much love to our channel Analytical Ayurveda. Today, after a long time, we will again discuss about Purple Book and today's topic is Asthma. Uh, sir, my first question is, what is Asthma? What are the causes? Give us a general overview about Asthma to our viewers thank you dr priti as you said that the, after a long time we are again uh, here on this channel Analytica ayurveda to discuss the purple book of course we are planning it to go through the one by one all diseases and the diet is very important and the indicatives indications of the purple book are really significant but you know every time there is some new issue very fast happening world uh, last time we, we just postponed it the discussion on the purple book and we opted uh, integration we are going ahead on this today also when we are planning for this sunday that we will go through the purple book uh, and the specifically the arising problem of the pneumonia and uh, that is the respiratory distress and very much uh, going on in the china and the alert is being uh, ऑन एजेंडा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन वी थाट अबाउट द सम कोल्ड कप एंड ऑल दिस थिंग्स बट मीन वाइल देर इज ए वेरी गुड एप्रिसिएबल डेवलपमेंट एंड एज आई डिस्कसड विथ यू ऑल इन अवर रूटीन डिस्कशन दैट एन एम सी डिजर्व टू बी ए ग्रेट अपलॉज एम एन एम सी को नेशनल मेडिकल कमीशन को बहुत बहुत आभार साधुवाद धन्यवाद कि उन्होंने एक हिस्टोरिक काम किया और हिस्टोरिक कार्य ये किया है व्यूवर्स आप जानते ही होंगे कि उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन का नया लोगो डे बिफोर रिजर्ड है यानी कि आज थर्टीथ नवंबर को उन्होंने लॉन्च किया और जिसमें कि भगवान धन्वंतरी बीच में है और नए लोगों में वो ट्राई कलर और उनके सिंबल्स हैं जिसको कि वो सिंबलाइज कर रहे हैं और उन्होंने उसमें एक वाक शब्द जो है चेंज किया वो रखा है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग भारत और बीच में भगवान धनवंतरी अब इससे लेकर के देश में दो तरीके का माहौल है पीपल आर जस्ट डिवाइडेड इनटू द टू स्ट्रीम वन इन द सपोर्ट ऑफ दिस मोशन एंड ऑफ़ कोर्स नेचुरली द अदर ग्रुप इज अपोजिंग द दिस नोटिफिकेशन और इनकी जो एक सबसे बड़ी संस्था है मेरे पास सारी न्यूज रिपोर्ट्स हैं लेकिन मैं उस पर कभी बात करूंगा कि आईएमए ने कहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि वो इस लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी ओके मत करिए आप लेकिन प्रश्न यह है कि आप क्यों नहीं करेंगे सवाल यह है कि आपको इससे क्या तकलीफ है क्या आपको तकलीफ भारत शब्द से है क्या आपको तकलीफ भगवान धनवंतरी के चिन्ह प्रतीक चिन्ह से है या वहाँ जो एक विकसित राष्ट्र की अवान्य धारणा वहाँ पर प्रदर्शित की गई है नारंगी रंग में हरे रंग में उससे आपको तकलीफ है उसके मोटो से आपको तकलीफ है आखिर किस बात से तकलीफ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और इसको हमेशा एक तकलीफ ही क्यों होती रहती है कोई भी अगर तथ्य आयुर्वेद के बारे में होता है या इन्होंने और कुछ भी अगर प्रगतिशील है जिससे कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिलता है तो इनको बहुत तकलीफ हो जाती है आखिर इस तकलीफ का कारण क्या है क्या मैकाले की मानसिकता एकमात्र वही कारण है और कुछ नहीं विश्वास है मुझे ये पीड़ित हैं इनको वैचारिक दोष हो गया है इनको वो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है जो भारतीयता से प्रेरित हो क्योंकि मानसिक रूप से ये गुलाम है आज भी उन्नीस में देश तो स्वतंत्र हो गया 1947 फोर्टी सेवन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस भारत राज राष्ट्र राज बना इंडिया दैट इज भारत लेकिन ये अभी अपने आप को उस गुलामी की मानसिकता से दूर नहीं कर पाए इनको ये जानना होगा और इस देश को बताना होगा कि आपको अब आप सेकुलर इंडिया की बात करने लगे हैं कि सेकुलर इंडिया में कैसे हो सकता है भगवान धनमंत्री कैसे आ सकते हैं ये सेकुलर इंडिया धर्मनिरपेक्ष भारत है बहत्तरवां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री भारत और उन्होंने सेकुलर वर्ड जोड़ा था ठीक है सेकुलर हम हैं हर तरह से हम सेकुलर हैं यहां हर धर्म को अपने फेथ को प्रैक्टिस करने की हर व्यक्ति को आजादी है यह आजादी विश्व के कई देशों में नहीं है और जो सबसे बड़े सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं उनके उन देशों में तो बिल्कुल नहीं है चलिए अब तक जो लोगों था एमसीआई का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थे 1950 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी और एनएमसी जो अभी चेंज की उसके बाद एमसीआई के बाद एन आई और एन ने जो अभी चेंज किया उसके जो प्रतीक चिन्ह था उसमें ग्रीक गॉड स्टैच्यू ऑफ द एस एल पी एस ग्रीक गॉड ऑफ द मेडिसिन एंड कैडासियस मेडिसिन और हेल्थ के सिंबल के रूप में थे तो so, इस देश के धर्मनिरपेक्षतावादियों को द कस्टोडियंस ऑफ द सेकुलर India was having no problem when a particular faith, God of a particular faith, individualized faith, the Greek God of the medicine and health, the namely SLPS and the caduceus maybe my pronunciation is wrong of these two Greek Gods. I respect all Gods of every religion, every religion i respect allah i respect guru nanak i respect jesus everyone there's is no issue on the existence of god and the res for respect of them respect for them but the issue is here on this hypocrisy when the word bharat is there when the Dharmantri is there you have a lot of problem till when the greek gods were there and the, you are thinking that the superior gods are there, like that, huh? then you have no problem. The country is secular. But when it is like something related to the bhartiyata then you have every problem, and a lot of articles are coming uh, uh, opposing the move of the NMC. But the voices in the support of the this motion. वेरी लेस एंड दे आर वेरी मच मार्जिलाइज मीडिया इज नॉट गिविंग कवर टू दो न्यू नो लो ऑफ द एन एमसी द हैपीनेस एमोंग दार्जर सेक्शन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी मीडिया इज नॉट रिपोर्टिंग दैट बहुत सारे लोग खुश हैं बनारस में तो धनवंतरी कूप है और प्रत्येक संस्थाओं में और प्रत्येक जगहों पर भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं भगवान धनवंतरी और वो स्वास्थ्य के देवता हैं आपको ग्रीक गॉड मंजूर था मंजूर है वो आपके सिंबल्स पर ग्रीक गॉड मंजूर हैं यू आर फीलिंग हैप्पी प्राउड विद द ग्रीक गॉड बट यू हैव वेरी मच प्रॉब्लम विद द भारतीय देवता संस्कृति वाइंड ऑफ द थिंकिंग यू हैव ऑल द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड मै काले जो शिक्षा व्यवस्था है ना उसने बिल्कुल आपके सोचने की शक्ति को विकृत कर दिया है कुछ दिनों में आप कुछ और भी करने लगेंगे आप ये भी कहेंगे कि ये जो भारत के चार सिंगों वाला शेर है उसको बदल दिया जाए ये तो किसी भारतीय सम्राट अशोक के राज्य का प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर कुछ और ले आया जाए आप फिर आगे ये भी कहने लगेंगे कि जितने भी संस्कृत के वाक्य हैं जो कि एक कई राष्ट्रीय प्रतीकों में या कई राष्ट्रीय संस्थाओं में जो उनके लोगों बने हुए हैं उनसे हटा दिया जाए क्योंकि संस्कृत जो है एक धर्म विशेष की भाषा को आप कहेंगे कि वह है तो प्रश्न ये है कि इनके एक सिंगल विरोध को चार कालम की खबर मिलती है और हम हजार लोग इसके सपोर्ट में बोले एक कालम की खबर नहीं मिलती है तो अंत में बचता है सोशल मीडिया जहां पर एनएमसी को मजबूत करने की आवाज उसके समर्थन में हम लोग उठा रहे हैं और इसमें मैं खाली एक आयुर्वेद का विद्यार्थी नहीं यहां बनारस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जो हम डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जिसमें डेंटल के आयुर्वेद के मेडिकल के सभी लोग हैं वहां इसका कोई विरोध नहीं है किसी ने विरोध नहीं किया अंततः कुछ लोगों ने तो स्वागत में ही लिखा और विशेष रूप से ट्रामा सेंटर के सर्जन साहब लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने स्वागत में लिखा तो एक ये विचारधारा का तक है कि आईएमए किन लोगों के पास है जो कि हर चीज का बस विरोधी करते रहते हैं अगर वो भारतीयता से संबंधित है फिर आरोप लगेगा कि आप एविडेंस लाइए आप विज्ञान की बात करिए आप किसी चीज को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप किसी चीज को भारतीयता पैट्रोटिज्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप सामने आइए मुकाबला करिए मुकाबला तो हम कर ही रहे हैं और उसी मुकाबले के चलते इतने सारे विध्वंस तीन सौ साढ़े तीन सौ साल दबाने के बाद भी आयुर्वेद शाश्वत और सत्य है वो तो, तो मुकाबले का ही परिणाम है नहीं तो हमको तो यह था कि आयुर्वेद जो प्रैक्टिस करेगा वो झेल जाएगा तो मुकाबला तो हम कर ही रहे आपके चैलेंज को तो हम लोगों ने स्वीकार किया ही है और अच्छे से किया है आपको रिप्लाई कर रहे हैं वैज्ञानिक तप कर रहे हैं हमें इसमें कोई दोहराया नहीं है तो प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मानसिक चिंतन की क्षमता मनन की क्षमता जो विकृत के स्तर तक जा चुकी है कि जो चीज भारतीयता से जुड़ी है वो गलत है उसको सुधारिए आई एम ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसको सुधारिए आप नहीं लोगों एक्सेप्ट करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन अपना आगे का काम करेगा अरे आपके जो भी नए चिकित्सक आएंगे और उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो यही मिलेगा ना कितना भागेंगे आप भागिए मत आत्मसात करिए बदलते हुए परिवेश को समझिए भारतीयों की जागरूकता का सम्मान करिए आज शासन की तरफ से ये बात आ रही है आप पहले ही क्यों नहीं विरोध कर दिए कि नहीं वहां पर एक स्टेथो लगाए हुए एक डॉक्टर को बैठा दिया जाए वही एनएमसी का लोगो होगा क्यों ग्रीक गॉड को स्वीकार किए थे आप आपको वहीं आपत्ति आ जानी चाहिए थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में तो एक महिला एक पुरुष लेडीज डॉक्टर को बैठाते और एक मरीज को लिटाते सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले और एक लोगो बना दीजिए विरोध करते आप उसी समय एनएमसी के इस लोगों का आपको कोई तकलीफ नहीं हुई थी सत्तर साल तक और उसके पहले भी क्योंकि आप गौरवान्वित महसूस करते थे ग्रीक गॉड से और आपको लज्जा आ रही है भारतीय गॉड से ये दुगलेपन को छोड़िए महा से और मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस कार्य को किया और विशेष रूप से ग्राउंड लेवल पर जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आधुनिक चिकित्सा के इसको कि आप बायोमेडिसिन कह सकते हैं एलोपैथ भी कह सकते हैं उन लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से स्वागत किया है कुछ लोग हैं वहाँ जो बैठे हुए जिनको ये चीजें नहीं पचती हैं उनको विरोध में ही मजा आता है हर चीज में विरोध करने के लिए विरोध करते हैं अपोज टू टेक अपोज ठीक नहीं है स्वागत करिए और अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पावर और कॉस्मिक पावर में विश्वास करते हो तो आप देख लीजिएगा कि प्रेयर्स में कितनी पावर होती है और बहुत सारी चीजें प्रेयर से आती हैं और बड़े बड़े सर्जन्स भी इस बात को अल्टीमेटली मानते हैं न्यूरोसर्जन कार्डियोसर्जन की यस गॉड इज एग्जिस्टिंग समवेयर तो व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर हाउस ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी परसेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर्स यू आर प्रैक्टिसिंग दिस फेथ इन योर हाउस वे आर यू आर प्रेइंग भगवान विष्णु भगवान शंकर भगवान राम भगवान कृष्ण देवी पार्वती देवी दुर्गा माँ सरस्वती तिरुपति बालाजी कन्याकुमारी देवी मीनाक्षी देवी यू आर प्रेइंग इन योर होम यू आर प्रेइंग एवरी टाइम

तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो दूसरे धर्म के हमारे मित्र हैं इस्लाम के हैं सिख के हैं या कोई भी हैं क्रिश्चियंस हैं आपके ग्रीक गॉड के सिंबल को हमने सत्तर साल तक स्वीकार किया ना हमने कोई विरोध तो नहीं किया आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं प्रश्न इतना सही है और बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आपके ग्रीक गॉड के हम लोगों ने हल्ला नहीं मचाया हां एक समय ऐसा आया है कि जब हम हर चीज को अपने गौरव की चीजों को अपना रहे हैं उसी क्रम में हमने इसको परिवर्तन किया आप भी स्वीकार करिए इसको जैसे हमने स्वीकार करके रखा था दिक्कत क्या है आप प्रैक्टिस फेद करिए और आप खुद ही कहते हैं कि ईश्वर एक है और सारे ईश्वर एक हैं तो भगवान धनवंतरी का अगर चित्र आ जाता है लोगों में तो पहाड़ नहीं टूट गया है उसका स्वागत होना चाहिए विरोध नहीं होना चाहिए और लगभग सभी अंग्रेजी अखबारों ने बड़ी 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 खबरें छापी हैं विरोध वाली उनको दिखा करके उन खबरों को दिखा करके मुझे किसी को महिमा मंडित नहीं करना है लेकिन दुख हुआ कि इस देश में ऐसे कार्यों का भी विरोध होता है जो आपकी भारतीयता को पहचान देते हैं पहले तो आप भारतीय हैं ना उसके बाद आप किसी विशेष धर्म के धर्मावलंबी हो सकते हैं और यहाँ हर धर्म का सम्मान हमेशा से हमेशा से हुआ है आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह भारत है इसने सबको स्वीकार किया है हर एक हर एक धर्म की हर एक शाखा को स्वीकार किया तो आज संडे की सुबह जो ग्यारह बजे हम आपसे मुखातिब हुए डॉक्टर प्रीति के साथ तो ये जो मुद्दा तीन दिन से चल रहा है सोशल मीडिया पर चल रहा है सोशल मीडिया पर ही ज्यादा चल रहा है अखबारों में तो खाली विरोध की बात छपी है समर्थन की तो बात ही नहीं छपी है तो हमने कहा हमने सोचा कि हम समर्थन करते हैं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का हम बधाई देते हैं इसके अध्यक्ष प्रोफेसर बी एन गंगाधरन को कि उन्होंने यह क्रांतिकारी कदम उठाया ये कुछ ऐसा ही क्रांतिकारी कदम है जो पिछले दस वर्ष की सत्ता में वर्तमान केंद्रीय सरकार कई जगहों पर कई अवसरों पर भारतीयता के लिए करती आ रही है जार्ज पंचम की प्रतिमा के स्थान पर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आती है तो यही कृत्य यहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया चार्ज पंचम की प्रतिमा की जगह इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भारतीयता के लिए आती है ग्रीक गॉड के लोगों की जगह पर भगवान धन्वंतरी का आना भारतीयता की पहचान इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए चलिए, अब मुद्दे पर आते हैं थोड़ा समय अस्थमा वाली बात आप कर रही थी तो डॉक्टर प्रीति यस अस्थमा पर चलिए क्या अस्थमा पर बात कर रही है आपको भी मैंने थोड़ा लगता है कि आंदोलित कर दिया लेकिन अपने बात बोलनी चाहिए और इस तरह से बोलनी चाहिए कि वो दूर दूर तक पहुंचे देश जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की प्रतिस्थापना का स्वागत किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस इस देश कार्य को भी स्वागत करता है आते हैं थैंक यू सर सर फॉर द अस्थमा से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बताया जाए एक जनरल व्यू की अस्थमा के बारे में और उसके क्या कारण है देखिए डॉक्टर प्रीति अस्थमा के बारे में क्या बताया जाए कि इसके क्या कारण है क्या लक्षण है इस पर तो आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा और हम लोग भी पढ़ते पढ़ा रहे हैं तो आज इस अपने सोशल मीडिया के चैनल पर नटिकार विदा पर ये कहा जा सकता है कि उसके विशिष्ट कारणों के लिए तो अलग से बहुत सारे लोगों ने वीडियो तैयार किए हुए हैं आगे तैयार करते रहेंगे वो उपलब्ध हैं आपके क्लासरूम में उपलब्ध हैं लेकिन सामान्य जनता के लिए हम बोलें तो इसके लिए अभी मुख्य रूप से अगर आप देखें और इसके ऊपर चर्चा करने के प्रयास अगर हम लोग करें तो कोई एक निश्चित कारण नहीं कहा जा सकता कि इसी कारण से अस्थमा होता है लेकिन उसके ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर हम उसको अवॉइड करें और स्पेशली आज हम उसी पर कंसनट्रेट करने जा रहे हैं आहार और बिहार पर अगर हम इनवाइट नहीं करेंगे और अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को और स्पेसिफिकली एलर्जिक सिस्टम को जो कि है उसको हम नियंत्रण में रखने का प्रयास करें जिससे कि हमारे बॉडी में एलर्जीज कम हो तो और ये सारा खेल जो है ना एंटीजन एंटीबॉडी का है ये सारा खेल आपके शरीर की द्वारा किसी भी विदेशी जो कि आपके शरीर के साथ आत्मसात नहीं है उसके प्रवेश के साथ ही शुरू होता है और फिर वो धीरे 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 बढ़ते हुए बढ़ते हुए वो ढेर सारे प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंत में एक एक्यूट एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज को ले आ देता है उसमें लक्षण में ये आएगा बहुत तेज तेज सामान्य भाषा में बात करें क्योंकि सामान्य जनता भी देखती है बहुत तेज़ तेज सांस तेज, तेज, चलना बहुत तेज तेज़ सीने तेज, में आपको वीजिंग स्निविजिंग सारी चीज़ें आने लगेंगी आपको तकलीफ होने लगेगी इन्हेल और एक्सेल में सी आपके सीने में एकदम से जकड़नपन आ जाएगा और इससे रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो बहुत बढ़ेंगी और स्पेसिफिकली रात को बढ़ेंगी तो ये एक है कि इससे अभी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि चाइना के ऊपर कि चाइना में निमोनिया और रेस्पिरेटरी स्ट्रेस की ढेर सारी चीज़ें उठ रही हैं तो हमने ये सोचा कि डॉक्टर प्रीति और हमारे मध्य ये बातचीत हुई कि हम लोग एक शॉर्ट इस, इस पर करेंगे और ये बात थी अट्ठाईस उनतीस की तब तक तीस को ये इतना तेज धमाका हुआ तो हमने सोचा बहुत शानदार धमाका हुआ तो हमने ये सोचा कि नहीं हम इस पर दोनों चीज़ें करते हैं बीस मिनट हम पंद्रह बीस मिनट हम इस राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को बधाई देंगे उनकी सराहना करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे आगे इसको और लेंगे विस्तृत रूप में लेंगे थोड़ा धैर्य रखिए हाँ तो चलते हैं yes. आगे क्या आपका प्रश्न सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गाइडलाइन अबाउट अस्थमा अब देखिए हमने पहले से ही कहा है कि डाइट्री गाइडलाइन के लिए हम सहारा लेते हैं पर्पल बुक का और ये पर्पल बुक जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ वार्ता करके लिखी गई है और पब्लिस की गई है तो उसी के आधार पर अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पर हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको अब आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि याद आने लगती हैं लेकिन उनका तारतम्य नहीं बैठता तो इसलिए एक स्पेसिफिकली जो एलर्जी शब्द हमने ले लिया था लेकिन उसमें मुख्य रूप से आपके पॉलेंस की एनर्जी को भी एलर्जी जो होती है उसका केयर करना होता है लेकिन अब प्रश्न आ जाते हैं यहां पर आहार पर तो आहार के ऊपर यहाँ पर हमें दो हिस्सों में बांटना है इसको सामान्य रूप से एक अवधारणा यह है कि वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाली जो आज के डाइटरी सिस्टम पे चल रही है कि क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्या फैट चाहिए और कितना हमें क्या लेना चाहिए इस पर अगर हम जब चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि जो मना किया गया है इस किताब के द्वारा कि हमें वो चीज़ें नहीं खानी हैं और क्या चीज़ें खानी हैं तो ये कहते हैं कि हमें ओमेगा थ्री फैटी फैटी एसिड्स कहीं चलें उसी पर सबसे पहली चर्चा कर ली जाए कि कितने फैटी प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए कौन से लेना चाहिए तो ये कहते हैं कि मोनो और पॉली जिसमें ओमेगा थ्री एसिड्स है वो एक अस्थमा का मरीज़ ले सकता है तो हमने तुरंत देखा कि भाई आ, क्या है वो तो उसमें नाम आया फ्लेक्सी सीड्स का नाम आया आलमंड्स का आया वॉलट का आया कि ये चीज़ें एक राइस ब्राउन है ये चीज़ें एक अस्थमा का मरीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है फॉर द बैलेंस ऑफ द फैटी मटीरियल विच इज रिक्वायर्ड इन द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी उसका फूड आइटम अभी एकदम से अलग है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ सकती है और सबसे ज़्यादा जो उसे केयर करना है खाने में तो इस बात पर केयर करना है कि वह जो खाए उसमें उसके शरीर का वज़न न बढ़े बॉडी वेट कंट्रोल में रहें तो बॉडी वेट कंट्रोल में, तो में रखने के लिए आपको सारी चीज़ बैलेंस में करनी होगी अगला क्या आप पूछना चाहती हैं यस सर सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द फूड इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन अस्थमा तो देखिए फूड में सीधी सी बात है कि जो भी मटेरियल रिच ऑफ एंटी है उसको आपको लेना है और अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसका ज़रूर हम निराकरण करेंगे हमारी पर्पल बुक कह रही है कि ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स लिया जाना चाहिए लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमारे शास्त्र में इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभी एक रिजर्वेशन है लेकिन चलिए इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और नॉर्मल फूड के अलावा ये बोलते हैं कि आप इसमें साइट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं ऑरेंज फ्रूट्स ले सकते हैं और आगे ये उससे पर्पल बुक बात करती है और बड़ी मज़ेदार बात करती है मुझे देख करके अच्छा लगा कि हम लोग तो अपने आयुर्वेद में हर चीज़ तीन पाँच सात पर चलते हैं अधिकतर चीज़ें हमारी और गिनती पे ही होती है तो ये पर्पल बुक भी एडवाइस यहाँ कर रही है कि आपको सात तरीके के और सात रंग के फल और सब्ज़ी खाने चाहिए जिनको कि ये स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है तो सात रंग और सात का शब्द का कुछ महत्व है तो ये एक पॉइंट मिला जिस पर कि थोड़ा सा राइटर मोड में कहा जा सकता है कि हाँ सात अंक और सात शब्द जो है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है हाँ जी नेक्स्ट सर अभी तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है इससे इस रिलेटेड और सर आप मतलब हाँ मैं अच्छा तो आ, 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 आपने एक प्रश्न किया और मुझे उसी में सारे उत्तर देने हैं वो yes. तो आपने तो बिल्कुल यक्ष प्रश्न डाल दिया ठीक है इनका ये भी कहना है कि क्या खाएं और क्या न खाएं में एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में ये है कि इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं और ये मैं फिर से बता रहा हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर सुन करके ही खाली मत करिएगा आपका जो आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके निकटस्थ है उससे जरूर इसको वेरीफाई कराइएगा हमारा मुख्य उद्देश्य पर्पल बुक को पॉपुलराइज करना है और इसलिए नहीं करना है कि पर्पल बुक जो है वो एक माध्यम है हम ये, ये बात मैं कहना चाहता हूं कि पर्पल बुक एक माध्यम है जो जनता के बीच में एक बहुत भ्रम बना रहता है कि इस बीमारी की अवस्था में क्या खाएं और क्या न खाएं तो उसका उत्तर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये पर्पल बुक देती है जो कि बहुत ही आसानी से इसका पी उपलब्ध है ओपन एसेस है आप बस इसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के साथ ही आप इसको फॉलो करिए एकदम सामान्य भाषा में लिखी हुई है अब यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि आपको सीरियल्स खाने हैं होल ग्रीन्स खाने हैं आपको बाजरा खाना है ओट खाना है इंटरनेशनल मिलट्स के लिए पहले भी इन लोगों ने लिख रखा है ब्राउन राइस खानी है फिर इसमें आपको ड्राइड और पुलेट्स ये जितने भी पल्सेस हैं ये भी आप ले सकते हैं एक नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं और लो फैट डेरी मिल्क भी ले सकते हैं लेकिन जो मना किया गया है वो ये है हाई फ़ैट आपको बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने इस्तेमाल के मरीज़ को और आपको क्रीम और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं खाने हैं और इसमें फिर जो ये बोलते हैं कि आपको साल्टेड पॉपकॉर्न भी नहीं खाने हैं सोयाबीन की भी जो आवश्यकता है उसके भी कुछ रिज़र्वेशन की ज़रूरत है यहाँ पर ये पर्पल बुक ऐसा बात करती है कि इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बता रहा हूँ कि पर्पल बुक को अपने साथ रखिए और ये जो आपका भ्रम है कि क्या खाएं क्या न खाएं किसी भी डिजीज़ के अवस्था में उससे आपको बहुत निजात मिलेगी और ये निश्चित है कि आपको अंडे नहीं खाने हैं अंडे से बहुत परहेज करना है जो भी का मरीज़ है उसके लिए मना ही कर रही है पर्पल बुक और अगर आपको कोई भी शंका आती है तो अगले एपिसोड में हम लोग फिर इस पर एड्रेस करेंगे फिर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार साधुवाद यस डॉक्टर थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड अबाउट अस्थमा टू आवर व्यूअर्स आई होप एंड द इशू ऑफ द लोगो ऑफ द एनएमसी यस सर आई होप दिस वीडियो हेल्प्स आवर टू आवर व्यूअर्स एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से to ensure good health eat lightly breathe deeply live moderately cultivate cheerfulness and maintain an in interest in life I repeat it repeat it it's very good you have written uh, i appreciate your writing yes what is this? to ensure good health eat lightly eat lightly breathe deeply breathe deeply live moderately yeah live moderately cultivate cheerfulness कल्टिवेट चेयरफुलनेस सबसे बड़ी बात यही है कि प्रसन्नता को आप अपने अंदर ले आइए कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल फिर भी बहुत अच्छा प्रीति आपने अच्छा लिखा और व्यूवर्स को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम लोग आगे मिलते रहते हैं अगले रविवार को फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार